और यहाँ पे देख सकते हैं व्हाट्स न्यू के अंदर आप देख सकते हैं कि लास्ट अपडेटेड 24 मई फाइनली बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया का अपडेट मिल चुका है। अगर आप सभी मेरी तरह पहले से ही बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया डाउनलोड करके रखे हो तो आपके लिए अपडेट भी आ चुका है। बस आप गूगल क्रोम ओपन करो, यहाँ पे आप सभी वही टेक एफ डी जेड सर्च करो। ये देखिए टेक एफ डी जेड है, पहला जो वेबसाइट आएगा इस वेबसाइट के ऊपर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे नहीं आना है, यहाँ पे आपको एक सर्च का ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको लिखना है BGMI और यहाँ पे देखो सबसे पहला पोस्ट 6 मिनट पहले का आ जाएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। और इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आना है और यहाँ पे देखिए आपको इस एप्लीकेशन का डाउनलोड लिंक मिल जाएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया का अपडेट हमें मिल चुका है। देख सकते हैं दोस्तों कि हमें फाइनली बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया का अपडेट मिल चुका है। और यहां पे देख सकते हैं व्हाट्स न्यू के अंदर आप देख सकते हैं कि लास्ट अपडेटेड 24 मई, और जो कुछ भी यहां पे आपको प्रीमियम आउटफिट आने वाला है सबका डिटेल यहां पे दिया गया है। तो देख सकते हैं कि फाइनली हमें अपडेट भी मिल चुका है। और अगर हम यहां पे आप सभी को इसका नया डिस्क्रिप्शन दिखाऊं तो देख सकते हैं यहाँ पे नया डिस्क्रिप्शन भी, और ये 24 मई को अपडेटेड हुआ है। अगर मैं इसका अपडेटेड डेट दिखाऊं तो देख सकते हैं कि यहाँ पे 24 मई लिखा हुआ आ रहा है। देख सकते हैं कि आपको 24 मई 2023 को ही गूगल प्ले स्टोर पे ये अपडेट आ चुका है, लेकिन आज आप सभी के लिए डाउनलोड करने के लिए और अपडेट करने के लिए ये ऑप्शन खुल चुका है। तो यहाँ पे आप सभी को इस तरीके से इसे अपडेट भी कर लेना है। तो देखिए मैंने अपडेट पे क्लिक किया, यहाँ पे मुझसे पूछ रहा है कि आप किससे डाउनलोड करना चाहेंगे, तो मैं यहाँ पर वाईफाई पर क्लिक करता हूँ, इसको वाईफाई को ऑन कर देता हूँ। फिर यहाँ पे हम इसमें अपडेट वाले में देखते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं हमें अपडेट भी मिल चुका है। अब इसको हम प्ले पे क्लिक करते हैं, इसके अंदर हो सकता है कि मेरा रिसोर्स डाउनलोड ना हो क्योंकि अपडेट के अंदर हमने यहाँ पे पहले से ही डाउनलोड करके रखा है, हमने इसको अपडेट पे क्लिक किया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अब क्या होता है, देखिए चेकिंग फॉर अपडेट कर रहा है, इसके अंदर भी 7 MB का अपडेट आ गया है, तो हमने 7 MB का अपडेट कर लिया। अब यहाँ पे फिर से इसको रिसोर्सेज कर रहा है। अगर आप अपडेट भी करते हो फिर भी आपको यहाँ पे 1079 MB का अपडेट देखने को मिलेगा, तो हमने इसको ओपन कर दिया, इसको भी डाउनलोड पे लगा दिया है। और यहाँ पे देखते हैं इसका कंडीशन क्या है, ये 30 देख सकते हैं, दोनों के अंदर मेरा रिसोर्सेज डाउनलोड हो रहा है। तो देख सकते हैं कि हमारा अपडेट कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसको ओके पे क्लिक करते हैं तो अब हमारा कुछ ही समय में बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया ओपन होने वाला है, और देखते हैं कि क्या इसमें हमारा जो सर्वर है वो ओपन हुआ है कि अभी भी डाउन है। देख सकते हैं कि हमें नया वाला प्राइवेसी पॉलिसी आ चुका है, एकदम लेटेस्ट वाला। देख सकते हैं कि 26/5/2023 वाला नया प्राइवेसी पॉलिसी का अपडेट आ चुका है, इसको एग्री करना है। तो दोस्तों मैं आप सभी को यहाँ पे अपडेट करने के लिए बता दिया, डाउनलोड करने के लिए बता दिया, लेकिन अभी भी इसका सर्वर ओपन नहीं हुआ है। देखिए यहां पे मैं अगर क्रॉस पे क्लिक कर रहा हूं तो देखिए मेरा गेम कट जाएगा।